नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होली मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को मैंने बहुत ही आसान तरीके से किया है। आई मेकअप बहुत आसान तरीके से करने वाली हूँ आज मैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ स्टे कूर की फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल। ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है और आपके पोर्स को फिल करता है और आपको एक स्मूथ सा बेस मिल जाता है। इसका अलग से रिव्यू दोस्तों मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ओलिविया पैनकेक। और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से भिगो लिया था, स्क्वीज़ कर लिया था इसे, और इस तरीके से टैप टैप करते हुए मैं अच्छे से ओलिविया पैनकेक को लगा लूँगी यहाँ पर। ड्राई स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले भी इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है इस लुक को करना। ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करते हुए अच्छे से इस ओलिविया पैनकेक को लगा लिया है। और दोस्तों इस मेकअप लुक को ना आप डे टाइम में या नाइट टाइम में दोनों में ही कर सकते हैं। किसी भी वेडिंग फंक्शन में भी आप इसे कर सकते हो और होली पूजा में तो आप कर ही सकते हैं इस लुक को, और बहुत ही आसान है इस लुक को करना। नेक्स्ट मैं यहाँ पर स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ टीन आईब्रो जेल और इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी एंगुलर ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्वीस ब्यूटी कंसीलर पैलेट है ये, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को भी डिफाइन कर लूँगी इस तरीके से, और अपनी पूरी आईलिड पर भी इस कंसीलर को लगा लूँगी स्मूथ। और अब मैं यहाँ पर हजवा हलाल कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी इस तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अर्बन मैक आई शेडो पैलेट से ये रेड कलर का शेड लूँगी और इसे इस तरीके से अपने आउटर वी पर लगा लूँगी। ये रेड शेड मेरे ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया है इस आई शेडो को। और ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इस तरीके से आउटर वी से लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। बस अच्छे से इसे ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं सेम पैलेट से ये येलो शेड लूँगी और इसे भी इस तरीके से मैं सेम ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी अपनी बाकी की आईलिड पर इस तरीके से, सेंटर आईलिड पर भी और इनर कॉर्नर्स में भी मैं इसे लगा लूँगी इस तरीके से, और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रही हूँ जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताई है। तो मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर लिया है और स्मॉल फ्लैट ब्रश पर मैंने इसे स्प्रे किया था, और अब मैं सेम पैलेट से ये येलो शेड लूँगी। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं नज़र आ रही है ना शेड्स की, तो आप इस तरीके से भी येलो शेड को लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने येलो शेड लिया है, ये भी सेम येलो शेड है। अगर ऐसे आप कोई भी आई शेडो लगाते हैं ना, तो पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है आई शेडो की। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा लिया है अपने येलो कलर के शेड को भी। और एक बार और मैं ये रेड कलर का शेड लूँगी और आउटर वी पर इस तरीके से लगाते हुए और क्रीज लाइन पर इस तरीके से लगाते हुए अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये जो शेड है वो अलग सा ना दिखे। इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पर ब्लू हेवन की आई शेडो लूँगी और इस तरीके से यहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ। और सॉरी दोस्तों, मुझसे ना वो क्लिप डिलीट हो गई। मैंने इनर कॉर्नर्स में ना येलो शिमर शेड जो होता है, मतलब गोल्डन शिमर शेड मैंने लगाया था अपने येलो कलर के आई शेडो पर, तो वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, तो उसके लिए सो सॉरी। तो आपने शिमर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है वैसे तो, अगर आप शिमर लगाना चाहते हैं तो आप शिमर आई शेडो भी लगा सकते हैं। मैंने गोल्डन शिमर आई शेडो लगाया है सेम येलो शेड के ऊपर ही, और उसके बाद मैंने ब्लू हेवन की आई लाइनर यहाँ पर लगा ली थी। लिक्विड आई लाइनर लगाई है मैंने, यहाँ पर विंग बना लिया है स्मॉल सा, और सेम रेड शेड मैं लोअर लैश लाइन पर भी इस तरीके से लगा लूँगी, क्योंकि ना फिर खाली खाली सी दिखती है आईज, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। काजल मैं आज यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, और आपकी इच्छा है आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट मैंने आज इसमें काजल का यूज़ नहीं किया है। बस लोअर लैश लाइन पर मैंने रेड कलर के शेड को ही लगाया है यहाँ पर स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से। अब मैं यहाँ पर स्वीस ब्यूटी का मस्कारा लगा लूँगी। बहुत आसान है दोस्तों, क्विकली हो जाने वाला मेकअप लुक है। एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा और मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा। और ये स्वीस ब्यूटी के मस्कारा का रिव्यू भी दोस्तों मैंने अलग से चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने मस्कारा लगा लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एलेडिन की ये ब्राउन लिपस्टिक लूँगी और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कंटोर करूँगी यहाँ पर इस तरीके से, कंटोरिंग कर लूँगी। अगर आपके पास कोई भी कंटोरिंग स्टिक वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके से ब्राउन कलर की लिपस्टिक से भी कंटोरिंग अपने फेस की कर सकते हैं। ओवल ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। ओवल ब्रश को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है।
और अब मैं यहाँ पर शिवाना ब्लश पैलेट से ये हाइलाइटर लगा लूँगी। इसमें हाइलाइटर भी दिया गया और ब्लश भी दिए गए हैं, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर हाइलाइटर को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर पर्पल की मिनी लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये रेड कलर का शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर है। और आपको हो सकता है शायद थोड़ा सा ना कैमरा में ये चेंज नज़र आ रहा हो, लेकिन ये रेड कलर ही है। और दोस्तों वीडियो देखते देखते ना आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा। और दोस्तों अब मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन की मेकअप फिक्सर यहाँ पर स्प्रे कर ली है अपने फेस पर, ताकि मेरा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये दोस्तों मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एमएक्स टका टक पर भी। और एडवांस में आप सभी को होली की शुभकामनाएं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।